हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। मैं हूं आरती गुप्ता और आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी एक कैप बनाना सिखाऊंगी उनसे, जिसके लिए मैंने येलो और वाइट कलर की उनका यूज़ किया है। और यहां पर मैं फंदे डाल रही हूं, यहां पर मैंने 20 फंदे डाले हैं, ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पर 20 फंदे डाले हैं। और ये हमारे 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए कैप बनेगी। अगर आपको छोटी कैप बनानी है तो आप छोटी कैप बना सकते हैं फंदे घटाकर, और अगर आप बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप 5 फंदे और बढ़ा दीजिए, और छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो 5 फंदे घटा दीजिए। तो इस तरह से हमने फंदे डाल लिए हैं, 20 फंदे मैंने यहाँ पर डाले हैं। और अब मैं उल्टी सिलाई इसमें लगा रही हूँ। देखिए, उल्टी सिलाई लगाने के लिए आप ऊपर से सिलाई को डालेंगे, थ्रेड को घुमाएंगे, और ये थ्रेड हमने एक सिलाई से निकाला और ये धागा निकाल दिया। इसी तरह से देखिए, दोबारा सिलाई को ऊपर से डालना है, धागा घुमाना है, सिलाई निकालनी और धागा छोड़ देना है। इसी तरह से आप पूरी सिलाई निकालेंगे। इसे उल्टी सिलाई बोला जाता है और हम यहाँ पर 3 उल्टी सिलाई लगा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको सिलाई लगा के बता देती हूँ। जो बिगनर्स हैं वो देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले फंदे डाले हैं और उसके बाद हम उल्टी सिलाई निकाल रहे हैं यहाँ पर, और उल्टी सिलाई भी मैंने बहुत स्लो आपको दिखाई है। तो एक हमारी लाइन पूरी हो गई है, एक रो बन गई है। तो अब नेक्स्ट रो है, नेक्स्ट रो भी हम उल्टी निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सेम हम यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से निडल हमने डाली, थ्रेड को घुमाया, इसी तरह से ये लाइन भी हम पूरी करेंगे। तो फर्स्ट में हमने फंदे डाले, दूसरे में हमने उल्टी सिलाई निकाली, और तीसरे में भी हम उल्टी सिलाई निकाल रहे हैं। बहुत ईजी है ये कैप बनाना। देखिए, ये हमने फंदे उल्टे और सीधे निकाल लिए। अब हमारा बैक पोर्शन चल रहा है, और बैक पोर्शन में मैं यहाँ पर वाइट कलर का थ्रेड चेंज करने वाली हूँ। आप जब भी थ्रेड चेंज करें तो वह उल्टी साइड से ही करें, बैक साइड से ही करें। और यहाँ पर उल्टी सिलाई से ही आपका थ्रेड चेंज हो रहा है। देखिए, ये सब उल्टी सिलाई हम कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर वाइट कलर की हम पूरी लाइन पूरी कर देंगे, सारे फंदे हम वाइट से निकालेंगे उल्टी सिलाई करके। तो चलिए, ये हमारी उल्टी सिलाई हो गई। अब हम आ गए हैं फ्रंट पोर्शन पर। फ्रंट पोर्शन में हम सीधी सिलाई लगाएंगे। जब जब मैं वाइट कलर का यहाँ पर ऊन यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं एक सीधी सिलाई लगाऊँगी। पहले उल्टी सिलाई से हम कलर चेंज कर रहे हैं, फिर हमने सीधी सिलाई निकाली। सीधी सिलाई के लिए मैंने नीचे से सिलाई डाली है। देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है सिलाई। देखिए, इस तरह सिलाई जाएगी, थ्रेड को आगे लाएंगे और सुई को निकालेंगे। इसी तरह से हम इसे आगे तक बनाएंगे। तो ये पूरी की पूरी लाइन हमने सीधी सिलाई से बनानी है। देखिए, इस तरह से सीधी सीधी सिलाई बनाते रहें और ये वाइट लाइन एक पूरी हो जाएगी। अब जब हम बैक पोर्शन पर आएंगे तो हम थ्रेड को चेंज कर देंगे, तो हम दोबारा अपने येलो थ्रेड पे आ जाएंगे। देखिए, ये आप आगे और पीछे की एक सिलाई उल्टी एक सिलाई सीधी हम वाइट की निकाल लेंगे। और फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ, और अब हम आ गए हैं अपनी उल्टी सिलाई पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं सेम थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ, येलो थ्रेड का, और उससे मैं उल्टी सिलाई बना रही हूँ। तो ये सिलाई आपकी पूरी उल्टी जाएगी। देखिए, इस तरह से आप उल्टी सिलाई पूरे पे लगा लें। ये हमारा पूरा बन गया है। अब हम बैक पे आ गए हैं। बैक साइड पे अब हमें धागा बदलना है और वाइट थ्रेड लगाना है। इस तरह से हम पहले येलो, फिर वाइट, फिर येलो और फिर वाइट पर आ गए हैं। बैक साइड से ही हमेशा धागा बदलेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, और उल्टी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई निकाल लेंगे उल्टी उल्टी। और अब हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। सीधी सिलाई मैंने जैसा आपको बताया था, वाइट थ्रेड की सीधी निकलेगी, फ्रंट साइड से हमारी सीधी सिलाई निकलेगी। देखिए, थ्रेड को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, इसे सीधी सिलाई कहते हैं। और हमने वाइट थ्रेड की इससे इसी तरह की सिलाई निकालनी है। तो पूरी ये सिलाई निकालने के बाद फिर हम अपने येलो थ्रेड पे आ जाएंगे। तो चलिए, हमारा फ्रंट का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने बैक पोर्शन पर। बैक पोर्शन पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग थ्रेड चेंज करेंगे और अपने येलो थ्रेड पे आ जाएंगे। येलो थ्रेड से एक उल्टी सिलाई निकाल लेते हैं। देखिए, ये पूरी की पूरी हमारी फिर उल्टी जाएगी। आपने देखा, बहुत इजी है। जितनी भी सिलाइयां हमने येलो से निकाली है, सब उल्टी निकाली हैं। ये हम फिर फ्रंट पर आ गए हैं, और अब देखिएगा, हम लोग अभी बैक पर हैं और
सारे जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं वो कट कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमने सब कट कर दिए हैं। और अब जो है वो आप ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहाँ पर जो हमारे 20 फंदे थे हम उसे अब 10 फंदे करेंगे, यानी कि हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो उसके लिए आपको दो फंदे उठाने हैं, थ्रेड को घुमाना है, सुई को निकालना है और ये हमारा एक फंदा हो गया दो फंदे के। दोबारा देख सकते हैं, दो फंदे उठाने हैं, थ्रेड को घुमाना है, निडल को निकालना है, ये हमारा एक फंदा रह गया, धागा छोड़ दें। सेम वे में हम लोग यहाँ पर 20 थ्रेड्स के 10 थ्रेड्स कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारे इस तरह से घटते चले जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब भी हम फंदे कम करते हैं तो दो फंदे लेते हैं और उसका एक कर देते हैं। उल्टी उल्टी सिलाई में करेंगे सारा, और इसी तरह से हमने पूरी ये सिलाई कंप्लीट कर देनी है। अब हम फ्रंट पोर्शन में आ जाएंगे। इसके बाद ये हम फ्रंट पोर्शन में आ गए हैं और फ्रंट पोर्शन में हम इसको उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। कोई हमें धागे बढ़ाने घटाने नहीं है इसमें, इसको सिंपल हम उल्टी सिलाई से बुन लेंगे। याद रखिएगा हमेशा जो इस कैप में हमने जो एक कलर लिया है, जो बेस कलर है, उसमें मैंने पूरी उल्टी सिलाई बुनी है। जो मैंने वाइट कलर का थ्रेड लिया है उसमें पहले उल्टी है और फिर सीधी है, और येलो से ही मैंने सारे फंदे उल्टी साइड पे घटा दिए हैं। और ये हमने सिंपल एक उल्टी सिलाई बुन ली है। और अब हम आ जाते हैं बैक पोर्शन पर। फिर से आप देख सकते हैं ऊपर से ये छोटा हो गया क्योंकि फंदे कम हो गए। अब 10 फंदों के हमने और घटा के 5 कर देने हैं। तो दो फंदे लिए, थ्रेड को निकाला और ये छोड़ दिया, एक फंदा रह गया। फिर हमने दो लिए, फिर हमने एक निकाला, अब हमारा फिर एक रह गया। इसी तरह से हम 10 फंदों के 5 फंदे कर देंगे ऊपर से, और जो सीधी सिलाई है वो हम उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। देखा आपने, बहुत ईजी है ये। तो मैं आपको ये लास्ट वाला भी निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारा हो गया 5 फंदे। 5 फंदे हमारे पास बचे हैं, इसको सीधा सीधा निकाल लेते हैं। चलिए ये हमारा उल्टी सिलाई से निकलेगा। सिलाई को ऊपर की साइड से नीचे लाना है, थ्रेड को घुमाना है, और ये इसमें कोई फंदे हम बंद नहीं कर रहे हैं। और ये हमारा हो गया कैप का पोर्शन कंप्लीट। अब हमें निडल की ज़रूरत है, जो बड़ी सुई हमें मिलती है हम वही लेंगे, बड़ी वाली सुई को। और ये जो थ्रेड है हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे, और ये जो थ्रेड है उसे हम इस निडल में डाल लेंगे। तो निडल में डालने के बाद सिलाई जितने भी ये हमारे फंदे हैं ये हम अपनी निडल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए इसको पूरे अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेना है। 5 फंदे हैं, 5 हमारे निडल में आ जाने चाहिए। बहुत ज़्यादा इजी है इस कैप को बनाना, और जो बिगनर्स हैं वो बहुत इजीली बना सकते हैं। देखिए, और इसे खींच दीजिए ताकि ऊपर का हमारा ये क्लोज हो जाए। और इसका एक कोना यहाँ है तो दूसरा इसका निडल में दोबारा पिरोएंगे और उसको फिर खींच देंगे ताकि हमारी कैप अच्छे से बंद हो जाए। तो चलिए ये हमारी बंद हो गई है। अब हमें उल्टा करना है इसको और सिलाई लगा देनी है। जो हमारा ये ओपन पोर्शन है इसको हम क्लोज कर देंगे। फटाफट से मैं आपको इसको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमने पूरा क्लोज कर दिया है, और इसको सीधा करने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी कैप बन के रेडी हो गई है। बट अभी ये पूरी नहीं बनी है, इसीलिए हम इस पर अभी थोड़ा और काम करेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये इस तरह से भी बहुत प्यारी लग रही है। बट यहाँ पर हम यहाँ पर एक और निडल और थ्रेड लेंगे, और ये देखिए यहाँ पर इसे लगाएंगे। यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे ताकि ये हमें खींचने में हेल्प हो। ये देखिए ये हम यहाँ से खींच देंगे, फिर थोड़ा सा और हम इसको पिरोएंगे इसको थोड़ा थोड़ा गैप पे, और यहाँ से उसे खींच के ये ऊपर से हमारा एक ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। और सेंटर में आप यहाँ पर एक मोती लगा सकते हैं, एक बटन लगा सकते हैं। अच्छे से ये पोर्शन पूरा आप खींच लीजिए। ये आपका एक कलंगी जैसे हम लोग बनाते हैं, पगड़ी जो बनाते हैं उस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक मोती पिरोने वाली हूँ। यहाँ पर ये देखिए मोती मैंने यहाँ पे लगा दिया है,
और ये बहुत ही प्यारी सी हमारी कैप बनके रेडी हो गई है लड्डू गोपाल जी के लिए। आप भी ट्राई कीजिएगा घर पे, बहुत इजी है इसे बनाना। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, कोई सजेशंस हो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।